रखिएगा, मैक्सिमम का आंसर सुजानपुर ही आएगा आपको, ठीक है जी। गौरी शंकर मंदिर कहां पर है? सुजानपुर टीरा में है, और इस मंदिर का निर्माण 1793 में संसार चंद के द्वारा जो है वो करवाया गया। मुरली मनोहर मंदिर ये भी सुजानपुर टीरा में है, और इसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने जो है 1790 में करवाया था। नेक्स्ट तक गसोता मंदिर, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि हिमाचल के मंदिरों से जुड़ी हुई क्लास है। ये हमारी क्लास दूसरी है बच्चों, तो हम इसमें जानेंगे शिमला जिले के प्रमुख मंदिर। तो शिमला जिले के प्रमुख मंदिरों से शुरुआत करता हूं, जैसे कि तारा देवी का जो मंदिर है ये कहां पर है, तो ये शिमला से 5 किलोमीटर दूर पर जाएंगे, थोड़ी सी दूरी पर, तो तारा देवी नामक एक स्थान है, वहां पर अष्टधातु बच्चों और 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। कितनी भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है माँ तारा देवी की। तो माँ तारा देवी का जो मंदिर है वो शिमला में सटे हुए तारा देवी ही नामक स्थान है, माता के नाम पर ही रखा गया है, और अष्टभुजा से बनी हुई माता का जो है वहां पर मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है, और इसका निर्माण जो है क्योथल के राजा बलबीर सेन ने करवाया था। किसने करवाया था तारा देवी मंदिर का निर्माण? क्योथल के राजा बलबीर सेन ने। नेक्स्ट आता है भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर जो है वो भी शिमला जिले के सराहन में स्थित है। कहां पर है भीमा काली मंदिर? कहां पर है? यहां पर वीरभद्र को अपने साथ जोड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इसके पूजा करते थे, तो भीमा काली मंदिर है सराहन में, ठीक है जी। और सराहन को जो है प्राचीन समय में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि शोणितपुर जो है वो किसका पुराना नाम है, ठीक है? तो सराहन जो का जो है पुराना नाम क्या था? शोणितपुर। नेक्स्ट आ जाता है हाटकोटी मंदिर। अब हाटकोटी मंदिर कहां पर है? ये रोड़ू तहसील के हाटकोटी, जगह का नाम ही है, वहीं पर स्थित है, और यहां पर हाटकोटी माता का की को समर्पित है, और महिषासुरधर्मिणी की अष्ट धातु, ये भी अष्ट धातु 8 धातुओं की यानी कि, ठीक है, प्रतिमा अष्टभुजा वाली जो है वहां पर, जो आपने पहले पढ़ा वो 18 भुजाओं वाली थी, और अब कितनी भुजाओं वाली है? 8 भुजाओं वाली जो है वो प्रतिमा स्थापित की है, वो है वीर प्रकाश ने, इसको पूर्ण निर्माण जो है वो इसका करवाया था। नेक्स्ट आते हैं जाखू मंदिर। अब जाखू मंदिर को जाने के लिए आपको पता है एक्सेलरेटर भी लग गया है, यानी कि आप एक्सेलरेटर के माध्यम से भी जो है अब सीधा जाखू को जा सकते हैं, तो उसका शॉर्टकट बना दिया गया है। तो जाखू मंदिर जो है वो शिमला के जाखू में ही है, जगह का नाम, और ये भगवान हनुमान जी को समर्पित है। किसको है? भगवान हनुमान जी को समर्पित है, इसलिए हनुमान जी की 108 फुट ऊंची जो है वहां पर मूर्ति स्थापित की गई है। और आपको बता दूं कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी भी जाखू ही चोटी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में रखने वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कामना देवी का मंदिर। किसका मंदिर है? कामना देवी का मंदिर है, ये भी शिमला के प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित है। कहां पर है ये? शिमला के प्रोस्पेक्ट हिल्स में स्थित है। नेक्स्ट आता है कालीवाड़ी मंदिर। ये मंदिर जो है शिमला में ही है, और ये काली माता को समर्पित है। किसको है? काली माता यानी कि श्यामला देवी को समर्पित है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शिमला का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, श्यामला देवी के मंदिर के ऊपर। सूर्य मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सूर्य मंदिर कहां पर है? ये शिमला के नीरथ जगह पर स्थित है, और ये मंदिर जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। किसको है? सूर्य मंदिर सूर्य देव को, ठीक है जी, को समर्पित है, और इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी हिमाचल का जो है सूर्य मंदिर है वो भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर किसे कहते हैं? तो ये है नीरथ को। नेक्स्ट आता है संकट मोचन मंदिर। इसका निर्माण जो है 1926 में नैनीताल के
बाब नीम करोरी ने करवाया था और ये भगवान हनुमान को ही समर्पित है। तारा देवी मंदिर के साथ में ही सटा हुआ है ये मंदिर, ठीक है जी, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिरमौर जिला, तो सिरमौर में ये है गायत्री मंत्र है, गायत्री मंदिर जो है ये कहां पर है, रेणुका में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल का गायत्री मंदिर कहां पर स्थित है, रेणुका, ठीक है। और इस मंदिर का जो है निर्माण महात्मा प्रायानंद ब्रह्मचारी ने करवाया था। और गायत्री जो माता है ये वेदों की माता भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेदों की माता किसे कहा जाता है, तो माता गायत्री को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये भी सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण है 1681 में बुद्ध प्रकाश ने करवाया था, किसको, जगन्नाथ मंदिर को, और सिरमौर में है। और यहां जो है सावन द्वादशी को मेले लगते हैं, ठीक है जी। इसके बाद त्रिलोकपुर का मंदिर, त्रिलोकपुर का मंदिर जो है सिरमौर के त्रिलोकपुर स्थान पर ही स्थित है। और ये मंदिर जो है 1573 में दीप प्रकाश के द्वारा बनाया गया, प्यारे बच्चों दीप प्रकाश के द्वारा बनाया गया है और माता बाला सुंदरी को समर्पित है। यहां पर 84 घंटियों वाली देवी भी इसे कहा जाता है, वहां पर 84 घंटियां लगाई गई हैं, तो इसलिए 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है बाला सुंदरी मंदिर को, किसको, बाला सुंदरी मंदिर को, याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और शिरगुल मंदिर कहां पर है, ये चुड़धार में है। शिरगुल मंदिर कहां है, चुड़धार में, जो कि शिरगुल देवता को ही समर्पित है। नेक्स्ट आता है देई साहिब मंदिर या पौंटा का निर्माण, जो है 1889 में शमशेर प्रकाश के द्वारा करवाया गया था और की बहन के द्वारा, सॉरी देई साहिबा ने जो है इसको बनवाया था। तो देई साहिबा ने, राजा शमशेर प्रकाश की जो है बहन थी, उन्होंने ये मंदिर जो है वो बनाया था। नेक्स्ट आ जाता है कटासन का मंदिर, जो कि क्लोर का निर्माण जो है, ठीक है, कटासन मंदिर क्लोर का निर्माण राजा जगत प्रकाश के ने जो है ये करवाया था, याद। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी नारायण, ये नाहन का में है और 1708 में जो है इसे राजा भू प्रकाश ने, हैट पी है नहीं है, भू प्रकाश ने जो है ये करवाया था। नेक्स्ट आता है शिव मंदिर है रानी ताल नाहन का निर्माण है, ठीक है, शिव मंदिर यानी कि रानी ताल नाहन का निर्माण करवाया गया था शमशेर प्रकाश ने, और राजा ने जो है अपनी रानी कुटलानी की स्मृति में यानी कि की याद में बनाया था। राम कुंठी मंदिर है ये नाहन में है, का निर्माण जो है 1767 में जो है राजा कीर्ति प्रकाश के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट आता है हमीरपुर जिला, और हमीरपुर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर का सुजानपुर जो है वो बहुत फेमस है, तो सुजानपुर को आपने याद रखिएगा, मैक्सिमम का आंसर सुजानपुर ही आएगा आपको, ठीक है जी। गौरी शंकर मंदिर कहां पर है, सुजानपुर टीरा में है, और इस मंदिर का निर्माण 1793 में संसार चंद के द्वारा जो है वो करवाया गया। मुरली मनोहर मंदिर, ये भी सुजानपुर टीरा में है और इसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने जो है 1790 में करवाया। गसोता मंदिर, ये है हमीरपुर के गसोता ही जगह का नाम है, क्या नाम है जी, गसोता, हमीरपुर में ही है गसोता जगह है, वहां पर ये मंदिर है और उसका निर्माण मंदिर जो है वो हमीरपुर में आता है गसोता मंदिर। नेक्स्ट आ जाता है नर्वदेश्वर मंदिर या नंदीश्वर मंदिर भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, नंदीश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है और इस ये सुजानपुर टीरा में ही है, संसार चंद ने इसको बनवाया था। बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये द्योड़ सिद्ध के पास है हमीरपुर में। नेक्स्ट आता है चमुंडा मंदिर, ये भी सुजानपुर टीरा में है
और 1761 में घमंड चंद ने जो है इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सुजानपुर टीरा हमीरपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपने अवाह देवी मंदिर समझिएगा, अवाह देवी माता का है और सबसे ऊंची चोटी भी हमीरपुर की क्या है, अवाह देवी है, तो आपने ये भी लर्न रखना है। नेक्स्ट आता है बिलासपुर जिला, बिलासपुर का है नैना देवी मंदिर है, जो कि नैना देवी बिलासपुर में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो वीर चंद चंदेल ने करवाया था। मान्यताओं के अनुसार यहां पर सती के नयन गिरे हैं, यानी कि आंखें गिरी थी यहां पर, ठीक है, इसलिए जब भी नैना देवी जाते हैं तो सभी जो है वहां पर आंखें चढ़ाते हैं माता को, ठीक है जी, क्या चढ़ाते हैं, आंखें, यानी कि नयन चढ़ाते हैं। गोपाल जी मंदिर बिलासपुर में है, संत 1938 में राजा आनंद चंद ने जो है इसे बनवाया था। एक और मंदिर आ गया मुरली मनोहर मंदिर, जो कि बिलासपुर का में है और राजा अभय चंद ने इसको बनवाया था। और नेक्स्ट आता है देव भाटी मंदिर, ये है ब्रह्मपुखर में है, कहां पर है, ब्रह्मपुखर में है और इसका निर्माण भी दीप चंद के द्वारा जो है वो करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है जिला ऊना, जिला ऊना में चलते हैं तो माता चिंतापूर्णी, तो माता चिंतापूर्णी की नाम से भी सभी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है जी, कौन कौन मंदिर गए हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो ऊना में स्थित है ये, मान्यताओं के अनुसार यहां पर सती के चरण गिरे थे, क्या गिरे थे, चरण गिरे थे चिंतापूर्णी में, ठीक है जी। जोगी पंगा ये ऊना में ही है, जोगी पंगा जो कि बोल गांव में स्थित है, कहां पे है, बोल गांव में स्थित है। बाबा बड़वाग सिंह ये जिला ऊना में ही आता है, वहां पर बाबा बड़वाग सिंह का डेरा था, अंब के पास है 10 किलोमीटर दूर, मैड़ी नामक स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैड़ी जगह याद रखनी है आपने, मैड़ी नामक स्थान पर जो है ये स्थित है। नेक्स्ट आता है बाबा नांगा, ये ऊना में है, संतोषगढ़ में जो है स्थित है बाबा नांगा, उन्होंने वहां पर जो है समाधि जो है वो ली हुई है। इसी प्रकार से सोलन जिला है, वहां पे शूलनी माता का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो शूलनी माता का मंदिर जो है वो सोलन में स्थित है और शूलनी माता को ही समर्पित है, सोलन शहर के बीचों बीच है और सोलन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जटोली मंदिर है जो कि सोलन के जटोली में है और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ, तो लाहौल स्पीति में जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर है, याद रखिएगा जगह का नाम भी त्रिलोकीनाथ। मृकुला देवी का मंदिर है जो कि अजय वर्मन ने बनवाया था, और ये मैं आपको बता दूं तो ये जो मंदिर है मृकुला देवी का मंदिर ये कहां पर है, उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर नोट कर लीजिएगा, उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर है। इसी प्रकार से गुरु घंटाल गोम्पा है और जितने भी गोम्पे आएंगे भैया वो सारे के सारे लाहौल स्पीति में ही आपने डाल देने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो गोम्पा है वो की गोम्पा है, कौन सा है, की गोम्पा सबसे बड़ा है, ये है लाहौल स्पीति का, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका किन्नौर का, तो किन्नौर में उषा देवी मंदिर है जो कि निचार है, ठीक है। चंडिका देवी का मंदिर है कल्पा में है, पूह गोम्पा है, मांगिया है गोम्पा, कानम गोम्पा है, ये नाको गोम्पा है, ये भी किन्नौर में है, लाहौल और किन्नौर ही आ रहे हैं, तो गोम्पा जो है ज्यादातर आपने लाहौल स्पीति में लगाने हैं। तो ये थे हमारे जिलों के, और इसके बाद हम करेंगे पुरातत्व विभाग के अनुसार जो जो हमारे मंदिर आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।